माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। तो जैसे कि आप जानते हैं, ऑल टिप्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो। तो आज मेरा टॉपिक फैशन है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बच्चों के 14 अगस्त के ड्रेस शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने अपना और अपनी देवरानी का ड्रेस शेयर किया था, खिजरा और सियांग का ड्रेस शेयर किया था। तो आज मैं ये चारों कज़न के ड्रेस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलें, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये है दुराज बाबा का ड्रेस, ठीक है। तो ये जो वाइट सूट थे ना, इनके पहले से ही थे, ईद पर बनाए थे। तो उसके बाद आपने देखा होगा खिजरा के बर्थडे पे भी इन्होंने ये वाइट ड्रेस पहने थे, और उनके साथ ऑरेंज बास्केट थी। बच्चों के आपको पता, वाइट ड्रेस तो वैसे भी होते ही हैं। तो ये फिर इनकी दादोमी का आइडिया था, वो ये ग्रीन जो कपड़ा है ना, इसका फुल सूट ले आई थी, फिर उनमें से ये सारे बच्चों की बास्केट्स हम लोगों ने लोन की स्टिच करवाई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। आपको पता है बच्चे रेडीमेड कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आपके लिए भी ये आइडिया है, आप बच्चों के इस तरह से कॉटन के ये वाइट सूट हैं और ऊपर इनकी जो बास्केट हैं वो स्टिच करवाई हैं, और साथ में ये देखें बहुत ही प्यारे वाइट बटन लगे हैं इस तरह से, बहुत प्यारा लगता है बच्चों के। ये है दुराज बाबा का, ये किसका है? ये है अस्वद का, ठीक है। ये जो मेरी देवरानी है उनके दोनों बच्चे हैं, मोहम्मद दुराज हसन और अस्वद बाबा, ठीक है। और उसके बाद ये है अजान बाबा का, आपको पता है मेरी प्यारी सी जो सिस्टर है अनीजा, उनका बेटा है अजान बाबा, हमारी जान माशाल्लाह। तो ये उसका ड्रेस है। तो ये हो गया अजान बाबा का, और उसके बाद ये लास्ट में है खिजर बाबा का। खिजर का आपको पता है, ये देखें इसका माशाल्लाह फुल बड़ा सूट है, मैं ऐसे पीछे करके आपको दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये माशाल्लाह चारों कज़न्स के सूट हैं, और गर्मी को देखते हुए उनकी दादोमी का ये आइडिया था कि इस तरह से हम बच्चों के कपड़े बना लेते हैं, कि बच्चों का जो दिन है वो भी बच्चे एंजॉय कर लेंगे और बच्चों को गर्मी भी ना लगे। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।